हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टूडियो। सो आज मैं आपको एक सनराइज़ का पेंटिंग बना के दिखाऊंगा। तो गैस ये देखे, ये मेरा ब्रश है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और ये मेरा कलर है, तो मैंने सभी के सभी चीज़ ले लिया है। तो अब चलिए हम पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गैस सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राफ करके और एक बहुत ही सिंपल तरह से एक स्केच बनाएंगे। तो देखिए, जो मैं स्केच बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ स्काई ब्लू कलर से, क्योंकि गैस स्काई ब्लू कलर बहुत ही लाइट होता है। तो इसीलिए अगर इसके ऊपर मैं कोई भी कलर दे दूं तो ये ब्लू कलर ढक जाएगा। तो इसीलिए अब जब भी कोई भी स्केच करेंगे कलर से, तो आप ये कोशिश कीजिएगा जितना लाइट कलर हो सके उस कलर से आप स्केच बनाइए। तो देखिए, मैं एक सिंपल से स्केच बना रहा हूँ। एक ऐसा पेंटिंग बनाऊँगा जिसमें एक घर होगा और वो घर होगा थोड़ा सा ऊंचाई पर, ठीक है। और घर के पीछे दूर में पहाड़ होगा और उस पहाड़ के पीछे से सूरज उग रहा है, ठीक है, मतलब सनराइज़ हो रहा है। तो कुछ इस टाइप का आज एक पेंटिंग बनाएंगे। तो देखिए, मैंने तो स्केच कर लिया है, अब कलर भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने येलो कलर, ऑरेंज कलर और वाइट कलर, इन तीनों कलर से हम स्काई को पेंट करेंगे, क्योंकि ये सनराइज़ का पेंटिंग है। तो जिस टाइम पे सनराइज़ या फिर सनसेट होता है, उस टाइम पे जो स्काई का कलर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, मतलब ऑरेंज, येलो, मतलब बहुत तरह का कलर का होता है। आप में से सभी ये देखे ही होंगे कि जिस टाइम पे सनसेट या फिर सनराइज़ होती है, उस टाइम पे आसमान में बहुत सारा कलर्स दिखता है। तो इसीलिए देखिए, मैंने येलो कलर, ऑरेंज कलर और थोड़ा सा पर्पल कलर से मैंने ये जो आसमान है इसको पेंट कर दिया। पर्पल कलर मतलब जहाँ पे कलर थोड़ा सा डीप करना होगा, उधर मैंने पर्पल कलर दे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, अभी मैं वाइट कलर से जहाँ से सनराइज़ हो रहा है, मतलब सूरज उग रहा है, उसी सनराइज़ को मैं वाइट कलर से पेंट कर रहा हूँ। तो सनराइज़ पेंट करने के बाद उसके सामने जो पहाड़ है ग्रीन कलर से मैं पेंट करूँगा। तो गैस ये जो कलर है, अगर आप इस कलर के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने एक लिंक दे रखा है, जहाँ पर मैंने इस कलर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और अगर आप इतना सारा कुछ नहीं जानना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गैस जो मैं टेक्निक यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो सेम टू सेम एक्रेलिक टेक्निक है। तो इसीलिए आप एक्रेलिक पेंट या फिर पोस्टर कलर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, जब भी सनसेट एंड सनराइज़ होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, या तो लाइट से अंधेरे की तरफ जाता है या फिर अंधेरे से लाइट की तरफ आता है। तो उस टाइम पे ना, जब हम कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा लाइट एंड शेडो का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गैस जब सूरज एक तरफ है और वहाँ से लाइट्स आ रही है तो उसके ऑपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा शेडो होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि देखिए, ये जो पहाड़ है, अगर मैंने इस पेंटिंग को जो दोपहर के टाइम का पेंटिंग बनाता तो मैं इस पहाड़ को बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करता, लेकिन क्योंकि ये मॉर्निंग के टाइम का पेंटिंग है और जो सन है वो पहाड़ के पीछे है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस पहाड़ को पूरी तरह से हाईलाइट नहीं करूँगा। मैं ज़्यादातर इस पहाड़ में अंधेरे रहने दूँगा, क्योंकि गैस जो लाइट सोर्स है वो पीछे से आ रही है। तो इसीलिए अगर इस पहाड़ में कहीं लाइट पड़ रहा है तो उस पहाड़ के उस साइड में है, ठीक है, इस साइड में तो अंधेरा है। तो इसलिए मैंने इस साइड में ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, इस साइड में बहुत ही कम हाईलाइट किया। मेरे को अगर ऐसा लगे कि इस जगह पे सूरज का रोशनी आके पड़ रहा है तो मैं उसी जगह को सिर्फ हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो गैस ये जो हाईलाइट एंड शेडो, मतलब लाइट एंड शेडो कैसे करते, ये आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो मैंने पिछले वीडियो सिर्फ इसके ऊपर ही बनाया है कि किस तरीके से आप आपके पेंटिंग में लाइट एंड शेडो का आप ध्यान रख सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, या फिर आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो से पहले जो वीडियो बनाया था, एक विलेज का सीनरी पेंटिंग किया था, तो उधर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से लाइट एंड शेडो का ध्यान रख के आप आपका पेंटिंग बना सकते हो और आपका जो पेंटिंग है उसमें आप 3D लुक ला सकते हो, ठीक है। तो आप जो पिछली वीडियो वो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सेम वही कर रहा हूँ, मतलब जिस साइड से लाइट सोर्स आ रहा है सिर्फ उसी साइड को हाईलाइट कर रहा हूँ और बाकी साइड
जो कि लाइट का पीछे है, उस साइड में थोड़ा डार्क रख रहा हूँ, ठीक है। एंड क्योंकि ये सनराइज़ का टाइम है, इसीलिए मतलब एकदम से डार्क नहीं होगा, थोड़ा सा आपको डार्क करना पड़ेगा। तो गाइज देखिए, मैंने जो घर है उसको लगभग कंप्लीट कर दिया पेंट करना। तो घर के सामने जो घास है उस घास को मैं पेंट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने जो डीप ग्रीन कलर है उसको दे दिया है। अब उसके बाद उस डीप ग्रीन कलर को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा, उसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर मिलाऊँगा और उसी कलर से मैं हाईलाइट कर दूँगा, ठीक है। और घर के पीछे जो पेड़ होगा उस पेड़ को भी मैं अभी पेंट कर रहा हूँ। तो बेसिक कलर है डीप ग्रीन कलर, एंड उसके बाद थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर से सभी पेड़ को हाईलाइट करना होगा, ठीक है। और घर के सामने थोड़ा सा ज़मीन होगा बिना घास का, तो मतलब मिट्टी का ज़मीन है, तो वो मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है बिस्किट कलर, यानी कि जो ब्राउन कलर है उसके साथ मैं थोड़ा सा वाइट कलर और थोड़ा सा येलो कलर मिला दिया है, तो हो गया है बिस्किट कलर। मतलब जैसे कि बिस्किट जैसा कलर होता है, ये वैसा ही कलर है। तो गाइज देखिए, मैंने जो साइड में जो खाई है उस खाई को पेंट कर दिया। अब जो सीढ़ी होगा घर के सामने से सीढ़ी आएगा, तो ये सीढ़ी को मैं पेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने दिया था ब्राउन कलर, उसके बाद ये है बिस्किट कलर। मैं इसको और ज़्यादा हाईलाइट करूँगा वाइट कलर से। एंड सीढ़ी के दो साइड में जो पेड़ होगा उस पेड़ का शेडो आएगा सीढ़ी के ऊपर, तो वो भी मैं पेंट करूँगा बहुत ही अच्छी तरह से, आप देख पाएंगे। तो ये देखिए, अभी मैं जो सीढ़ी है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीढ़ी पेंट करने के बाद देखिएगा, मैं सीढ़ी का साइड का जो पेड़ है उसको मैं पेंट करूँगा। तो ये देखिए मैं पेंट कर रहा हूँ। तो ये है डीप ग्रीन कलर, ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क ग्रीन कलर है, क्योंकि गाइस ये जो कलर है इसके अंदर मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर मिलाया, मतलब जो डीप ग्रीन कलर है उसके अंदर में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिला है, ताकि जो डीप ग्रीन कलर है वो और ज़्यादा डार्क हो जाए, ठीक है। तो उसी कलर से मैंने बेसिक कलर दे दिया जो पेड़ है, पेड़ तो नहीं, ये झाड़िया होगा, तो ये झाड़िया का मैंने बेसिक कलर दे दिया। अब उसके बाद मैं हाईलाइट करूँगा थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर से। तो ये देखिए, ये जो लाइट ग्रीन कलर है इस कलर से सबसे पहले तो मैंने जो घास है उसको पेंट कर दिया। अब घास को हाईलाइट करने के बाद जो झाड़िया का जो पत्तियां है उसको मैं पेंट करूँगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने जो ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा डीप ही कर दिया, धीरे धीरे मैं इसको लाइट बढ़ाऊँगा कलर में, मतलब जो ग्रीन कलर है उसके अंदर मैं थोड़ा सा येलो कलर मिलाऊँगा तो कलर लाइट हो जाएगा, और अगर मैं और ज़्यादा येलो कलर मिलाया तो वो कलर और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे जो ग्रीन कलर का जो लाइटनेस है वो मैं ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ उसके अंदर येलो कलर मिला के। तो ये देखिए, अभी मैं जो पत्तियाँ पेंट कर रहा हूँ ना, वो देखिए बहुत ज़्यादा लाइट है, ठीक है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने पत्तियाँ को सरा का सरा पेंट कर दिया।
तो आप देखिए जो पत्तियाँ है ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब मैंने पिंक कलर से जो फ्लावर्स है उसको मैंने पेंट कर दिया बहुत ही सिंपल टेक्निक से। तो ये है पिंक कलर और उसी कलर से देखिए मैंने सभी के सभी फ्लावर्स को पेंट कर दिया। तब घर के पीछे जो पेड़ है उस पेड़ को मैं देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस साइड का पेंटिंग लगभग हो गया है। अब इस साइड में दो बांस का पेड़ पेंट करूँगा बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि इस साइड थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था तो इसीलिए मैं इस साइड पे दो बांस का पेड़ पेंट कर देता हूँ। तो उसके बाद हमारा जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और दूर में दो तीन बर्ड्स पेंट कर दूँगा, वो सन के सामने से उड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ये बर्ड्स मैंने पेंट कर दिया, इसके बाद हमारा जो पेंटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। तो गैस कैसा लगा आप लोगों को आज की ये पेंटिंग, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नया पेंटिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।